हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आलू और पालक की सब्जी बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पालक आधा किलो हमने पालक ले रखी है, आधा किलो हमने आलू, देखिए नया वाला आलू है, और हमने ये अदरक ले लिया है, हरा मिर्च, लहसुन, और हमने एक प्याज ले रखी है, और हमने ये टमाटर ले रखा है, मतलब आधा टमाटर हमने ले रखा है। हम आलू और पालक की सब्जी बनाएंगे। चलिए इन सबको हम काट लेते हैं। हम पालक को, ये देखिए हमें डंठल की जरूरत नहीं, हमें पत्तों की जरूरत है, तभी हमारे जो है आलू और पालक की सब्जी बहुत अच्छे बन के तैयार होगी। इसलिए हमें इन डंठलों को निकाल देना है और हमें पत्तों को ले लेना है। देखिए ऐसे ही करते हुए हमें पत्तों को तोड़ के, देखिए ऐसे ही करके हम इसे ले लेंगे। ऐसे करके बनाने से जो हमारे आलू और पालक की सब्जी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होगी। देखिए मैं चूल्हे पे अपने पैन को रख दिया। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। इसमें हम हींग डालेंगे, हींग, ये हमने जीरा डाल दिया। देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च को हम बारीक काट लेते हैं इसमें डाल के, और जीरा भी देखिए मेरा चटक गया है। इसमें हम प्याज डाल देते हैं, इसे हम चलाते हुए हल्का हल्का सा सुनहरे कलर का भून लेंगे प्याज को। देखिए देखिए इसमें हम अदरक और जो हमने हरी मिर्च और लहसुन काट रखा उसको हम डाल देते हैं। इन सबको डाल के हमें भूनना है, सुनहरे होने तक हमें भून लेना है। ऐसे करके सब्जी बनाने से सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसे ही करते हुए इसे हल्का हल्का सुनहरे कलर का हमें भून लेना, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा डार्क हो जाएगा तो ये होता है सब्जी का कलर भी चेंज हो जाता है, खाने में भी अच्छी नहीं लगता, जले जले सी लगेगी कि लगेगा कि जल गया है, इसलिए स्वाद खराब हो जाएगा उसका। बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही चलाते हुए भून के भून लेना है हमें। देखिए आलू को हम डाल देते हैं साथ में, आलू को भी हम भून लेंगे। देखिए हमें आलू को डाल के अच्छे से मिला देना है इसे, कि हमारे आलू जो है अच्छे से भून जाए। आलू को हम भून लेते हैं तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए आलू को हमें भून लेना है। ऐसे ही प्याज के साथ आलू भी हमारे भून जाएंगे। देखिए हमने इसे चला दिया, अब इसे हम ढक देते हैं। इसे हमें 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए मतलब भूनना है, ढक दिए हमने। चलिए सब्जी को अपने देख लेते हैं, इसे चला देते हैं। हमने टमाटर डाल दिए, बीच बीच में इसे हमें चलाते हुए भूनना है, तोड़ना नहीं है कि ये जल जाएंगे नीचे से। देखिए अच्छे से हमें चला देना है, इसे वापस हम इसे ढक देंगे। इसे देखिए 5 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते हुए, अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल दिए इसमें हमने, और इसमें हमने ये गरम मसाला ले रखा है, हम गरम मसाला भी डाल देते हैं इसमें। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला देते हैं, अपने मसालों को मिला देंगे अच्छे से कि ये भी साथ में भून जाए। ऐसे ही चलाते हुए इसे भी भून लेना 2 मिनट तक, कि मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे। अगर भूनेंगे नहीं तो कच्चेपन का स्वाद आएगा, इसलिए मसाले को भूनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही चलाते हुए 2 मिनट तक हम अपने मसाले को भून के तैयार करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इस समय हम अपने पालक को डाल देते हैं। देखिए हमने ये अपनी पालक को काट के साफ करके भून के ले लिया है, अब इसे हम डाल देते हैं। देखिए हमने अपनी पालक को डाल दिया, अब इसे हम ढक देंगे इसे पकने के लिए। इसे हम 2 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी को। देख सकते हैं आप कैसे गल गई है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे इसमें, सब्जी आलू में अच्छे से मिल जाए पालक। देख सकते हैं आप, अब इसे ऐसे ही हमें चलाते हुए अच्छे से मिला लेना है। देखिए हमने अच्छे से इसे मिला दिया है,
अब इसे ऐसे ही करके हम अब हम ढक देते हैं पकने के लिए। चलिए अपनी सब्जी को फिर से चला लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं आलू हमारा हो गया है। थोड़ी देर और इसे रखेंगे, पूरे 15 मिनट लगे हैं, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा और इसे ही भूनेंगे, पीसने के जो पानी है अच्छे से साग का वो पक जाए, तभी अच्छे से सब्जी का स्वाद अच्छा आएगा, खाने में अच्छे लगेंगे। देखिए हमने अच्छे से मिला दिया, आप देख सकते हैं देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। अब इसे फिर से हम वापस रख देते हैं अपनी सब्जी को। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। 20 मिनट लगा है सब्जी हमारी जैसा बनके तैयार हो गई। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको पास्ता दिखाते हैं। देखिए सब्जी हमारी इतनी अच्छी बनके तैयार हुई है,